Hello everyone, today we are going to discuss about three main tissue systems of plant body जो कि है epidermis, cuticle and stomata. So let's get started. Okay, first talking about epidermis. Okay, as the name suggests, epi का मतलब क्या होता है? Upon, derma का मतलब होता है skin. Okay, तो जो सबसे outermost स्किन वाली लेयर होगी प्लांट बॉडी में उसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस. ओके, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करती है अराउंड होल द बॉडी. ठीक है, एंड ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है. ओके, और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, गैशियस एक्सचेंज एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना बेसिकली प्लांट से, वही है ट्रांसपिरेशन. ठीक है, अब वैसे तो जनरली जो एपिडर्मिस होती है वो यूनिसेरियट होती है, मीन्स उसके पास सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी किसी केसेस में वो मल्टी लेयर भी हो जाती है, जैसे कि हमारे पास फीकस हो गया या फिर नीरियम हो गया, उनके अंदर हम लोगों को ये मल्टी लेयर भी देखने के लिए मिलती है. ठीक है, अब जब अगर वो यूनिसेरियट होगी, दैट इज जब उसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे, तो ये सेल्स चूँकि होंगे ज़्यादातर मतलब इरेगुलर होंगे अपने आउटलाइन में. ठीक है, अपने शेप और साइज में वेराई भी कर सकते हैं और वो मतलब कंटिन्यूस लेयर्स भी फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पर वो खाली इंटरप्टेड होंगे बाय लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा. ठीक है, दोनों एक तरीके के पोर्स ही होते हैं. लेंटिकल भी छोटे छोटे पिट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एंड जो हमारा स्टोमेटा होता है वो पोर्स होते हैं, उसकी तो हम लोग बात करेंगे ही अभी. ठीक है, एंड जो कभी कभी क्या होता है, ये जो इतने ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज होते हैं ना, कि इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं. ठीक है, और वैसे वो तो बता ही दिया कि ये मल्टी लेयर भी हो सकता है. ठीक है, अगर यूनिसेरिएट होंगे तो इसके जो कंडीशन अभी बताए वो होगा, और अगर मल्टी लेयर होगा जैसे कि हमारे पास फीकस हो गया और नेरियम हो गया, उसके अंदर ये केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमारी जो एपिडर्मिस होती है बेसिकली वो मल्टी लेयर्ड होती है. ठीक है, अब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है, एंड दे मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स, टैनिन, म्यूसिलेज ऑयल्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स. ठीक है, ये सब चीज़ें कंटेंट्स बता रखे हैं जो जो इसके अंदर हो सकते हैं. ठीक है, और जो वॉल्स होते हैं इन सेल्स के वो भी वेराई करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, अब कभी कभी हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो एपिडर्मिस होती है ना उसके एक तो वो नॉर्मल यूजुअली थिक ही होती है बिकॉज उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, कभी कभी वहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा थिकनिंग देखने को मिलती है. वो क्यों होता है? जब वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है क्यूटिन का या फिर सुबरिन का. ठीक है, क्यूटिनाइजेशन या फिर सुबरिनाइजेशन इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? अगर ये कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है तो ये उसका फंक्शन यही होता है कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, और पैथोजन से हम लोगों को मतलब प्लांट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है उसको वो रिटार्ड करेगा, कम करेगा. ठीक है, एंड कुछ जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं मोनोकॉट्स के अंदर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी एनलार्ज हो जाते हैं और उस टाइप के एपिडर्मल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स. ठीक है, और ये हम लोगों को मोनोकॉट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, ये मोनोकॉट्स वाले केसेस के अंदर देखने के मिलते हैं कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसके जो कि सेल्स होते हैं एनलार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एनलार्जमेंट ऑफ देयर वैक्यूल्स. ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. उस टाइप के सेल्स को बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. ठीक है, जबकि डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर हम लोगों को ऐसे कोई बुलीफॉर्म वाले सेल वाली कंडीशन नहीं देखने के मिलती, जबकि यहाँ पर हम लोगों को ये देखने के मिलता है जो मेरे एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना उनके पास मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं. ठीक है, हेयर्स भी कौन से? जो रूट हेयर्स होते हैं बेसिकली, है ना. अब रूट हेयर्स तो होंगे बिकॉज उनको वाटर भी तो एब्जॉर्ब करना है. ठीक है, उसी से तो वो करेंगे. ठीक है, एंड जो रूट्स के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा भी बोल लेते हैं, पिलीफेरस लेयर भी बोल सकते हैं या फिर राइजोडर्मिस भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड दैट्स इट. उनका फंक्शन क्या होता है रूट हेयर्स का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है,
अब जो हमारी ओवरऑल एपिडर्मिस है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहली बात ये मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एंड जो हमारे जो सॉफ्ट इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनको भी मैकेनिकल इंजरी से ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है ये एक्सेसिव वाटर लॉस से, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन से हेल्प करेंगी, ठीक है। किस तरीके से करेगी, वो इस तरीके से करेगी बिकॉज उसके पास क्यूटिकल है, वैक्स है, हेयर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट जो क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये हम लोगों को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और सिक्रीशंस में हेल्प करती है, ठीक है, एपिडर्मिस। फोर्थ पॉइंट आता है ये स्टोर हाउस की तरह भी एक्ट करती है। किसका स्टोर हाउस, बेसिकली वाटर का स्टोर हाउस इन मैनी जेरोफिटिक प्लांट। जेरोफिटिक प्लांट कौन से होते हैं, जो एरिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जो गर्म इलाकों में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके पास वैसे ही वाटर का कंटेंट जो कि होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। वाटर तो कितना नेसेसरी कंपोनेंट है, तो उसके मतलब कि वो बॉडी प्लांट बॉडी से उसका लॉस ना हो उस चीज़ को भी प्रिवेंट करती है एपिडर्मिस, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है कि कुछ जो एपिडर्मिस सेल्स जो कि होते हैं वो सिक्रेटरी टिश्यूज़ में भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि नेक्टरीज हो गई जो कि इंटर्न हमें पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना, और वो किस चीज़ में डेवलप हो सकती है, जैसे स्टोमेटा में कन्वर्ट हो सकती है, लेंटिकल्स में, ठीक है, एंड रूट हेयर्स जो कि होगी उनके अंदर भी वो कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, सिक्स्थ फंक्शन जो आता है हमारे पास एपिडर्मिस का वो क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, गैशियस एक्सचेंज करता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है पैथोजेंस के थ्रू, एंड एडवर्स कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करने की, तो उस कंडीशन में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फंक्शंस परफॉर्म करता है, ताकि जो प्लांट की ओवरऑल इम्यूनिटी वगैरह वो स्ट्रांग रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट बात यहाँ पर बात करेंगे क्यूटिकल के बारे में, ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल ऐसे बेसिकली वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है आप बोल सकते हैं, ठीक है, एंड ज़्यादातर मतलब जो पूरी जो शूट वाला पोर्शन होता है ना प्लांट के अंदर, ये पूरे उस पोर्शन को कवर करके रखता है, और नेक्टरीज वाला पोर्शन हो गया, ट्राइकोम वाला पोर्शन हो गया, उन सबको ये कवर करके रखता है, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, ये भी ट्रांसपिरेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ट्रांसपिरेशन को रिटार्ड करेगा बेसिकली, और ये क्या करता है, बस इतना ही है, इतना मतलब इसका मेन जो कि फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये ट्रांसपिरेशन का रेट जो कि होता है उसको रिड्यूस करता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा होते क्या है, ये माइन्यूट अपर्चर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, ऑन द एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मल लेयर पे ये छोटे छोटे होल्स होते हैं। किसकी एपिडर्मिस पे, बेसिकली जो पूरी केवल प्लांट है, या फिर आप बोल सकते हैं जो लीव्स की एपिडर्मिस होगी या फिर शूट की एपिडर्मिस होगी, वो इंटरप्टेड होती है बाय सेवरल स्टोमेटा, ठीक है। और जो कि स्टोमेटा होते क्या हैं, वो माइन्यूट अपर्चर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। अब इनके पास दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स एंड एसेसरी सेल्स। एसेसरी सेल्स को हम लोग सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट न्यू, हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट दो अब सिलेबस में है तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं ये किडनी शेप के होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी किडनी होती है ना, या फिर आप बोल सकती हो आपने वो देखिए राजमा, राजमा की शेप की होती है किडनी भी, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो कि होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में वेराई करेगा, ठीक है। जेरोफाइट्स के अंदर जो कि स्टोमेटा देखने के लिए मिलते हैं वो संकेन स्टोमेटा होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का मतलब जो रेट होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब रिड्यूस करने के चक्कर में जो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा किस तरीके के होते हैं, वो संकेन होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सब्सिडरी सेल्स की बात करें तो ज़्यादातर हम लोगों को जो नहीं पहले जो हमारे पास ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना मोनोकॉट्स के केस के अंदर ही किस तरीके के होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं, डम्बल हो जाएगा जिस तरीके से जो हमारी जो केमिस्ट्री में हमारी जो पी ऑर्बिटल वाली शेप होती है ना वो डम्बल शेप की होती है, ठीक है, तो वही वाली शेप के तरीके से होते हैं ये लोग मोनोकॉट्स के केस में, ठीक है। एंड जो इनका जो बिल्कुल जो अंदर वाला इनर वॉल वाला जो सरफेस होगा ना वो किस तरीके से, वो हाईली थिकेंड होता है, और जो आउटर वाला सरफेस है वो क्या होगा, वो थिन होता है और इलास्टिक होता है, ठीक है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट जो हमारे जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं या फिर एसेसरी सेल्स होते हैं, ये भी सेल्स होते हैं जो कि जो गार्ड सेल्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है, एंड ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं ये किस तरीके के होते हैं, ये लिविंग होते हैं एंड दे आल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, ठीक है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है।
और डाइकॉटिलेडन्स लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर किस तरीके के होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं, जबकि मोनोकॉटिलेडन्स के अंदर हम लोगों को इस तरीके का कंडीशन नहीं देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर वो क्या होते हैं, वो अरेंज्ड रहते हैं स्ट्रेट रोज में, ठीक है। अब हम लोग स्टोमेटा को मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग उसका डिवीजन कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किस तरीके से। देखिए अगर तो सर जो स्टोमेटा है वो खाली लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होगा तो उसको उस टाइप के उन लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वो लीव्स हाइपोस्टोमेटिक है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक है ना। मतलब अगर लीव्स के लोअर सरफेस में वो प्रेजेंट होगी स्टोमेटा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, ठीक है, जो कि ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, हम लोगों को हाइपोस्टोमेटिक लीव्स ही देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगर वो स्टोमेटा जो कि है वो लीव्स के ऊपर वाले सरफेस में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे इपिस्टोमेटिक। इपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, जो हम लोगों को ज़्यादातर जैसे फ्लोटिंग लीव्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं मीन जो वाटर वाले एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और जबकि जो हमारे एम्फीस्टोमेटिक, ठीक है, एम्फी का मतलब ये होता है बोथ, अगर हम लोगों को बोथ सर्फेसिस ऑफ द लीव्स के अंदर देखने के मिलेंगे तो उसको हम लोग एम्फीस्टोमेटिक लीव्स बोलेंगे, या फिर आइसोबाइलेटरल लीव्स के अंदर भी हम लोगों को ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा का, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो फॉलोइंग टाइप्स हैं, आई थिंक पूरे कितने हैं हमारे पास, 7 टाइप्स हैं, ठीक है, तो जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो हमारे पास टाइप निकल करके आता है वो है रेनेनक्यूलोस और एनोमोसाइटिक, ठीक है। इस टाइप के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो स्टोमेटा होता है वो सराउंडेड रहता है बाई लिमिटेड नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, जो कि सब सेम होते हैं लाइक द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं नंबर में, ठीक है। सेकेंड टाइप के जो हमारे पास यहाँ पे स्टोमेटा देखने के मिलते हैं वो होते हैं क्रूसीफेरस और एनआइसोसाइटिक, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने के मिलते हैं, जो स्टोमेटा होता है वो सराउंडेड रहेगा बाई 3 सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, एंड जिसमें से कि जो एक होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू द जो अदर 2 है, ठीक है। थर्ड केस जो आता है हमारे पास वो है रूबिएशियस और पैरासाइटिक टाइप। इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने के मिलता है, जो स्टोमेटा होता है वो खाली 2 सब्सिडरी सेल्स के द्वारा सराउंडेड रहता है जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है हमारे पास कैरियोफाइलेशियस और डायसाइटिक टाइप। इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलता है, जो स्टोमेटा होता है वो सराउंडेड रहेगा बाय अ पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, जिसकी जो कि कॉमन वॉल होती है वो राइट एंगल पे होती है गार्ड सेल की वॉल के साथ, ठीक है। एंड जो हम लोगों को अदर 2 टाइप देखने के लिए मिलते हैं वो डाइकॉटिलेडन्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जो ऊपर वाले 4 केसेस थे वो हमारे पास मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारे पास वो है एक्टिनोसाइटिक टाइप। इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, 4 या 4 से ज़्यादा ऐसी सारी सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं, जो कि रेडियली इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, टू द स्टोमेटा इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिक्स टाइप जो आता है हमारे पास वो है साइक्लोसाइटिक टाइप। इसके अंदर हमें क्या कंडीशन देखने के मिलती है, यहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा एसेसरी सेल्स जो कि होंगे वो अरेंज्ड होंगे क्लोज रिंग के फॉर्म में, ठीक है, जैसे स्टोमेटा है उसके अराउंड ये क्लोज रिंग के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज्ड होंगे, ठीक है। सेवेंथ है हमारे पास ग्रामिनेशियस टाइप, ठीक है। इस केस के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो हमारे पास जो स्टोमेटा है वो क्या पोजेस करता है, गार्ड सेल्स, जिसमें से कि जो मिडल वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू द एंड वाला पोर्शन, ठीक है। एंड वो किस तरीके से ओवरऑल देखने में लगता है, जैसे जो डम्बल व्यू होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 7 टाइप्स के स्टोमेटा, जब हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। और जो हमारे जो कॉनिफर्स होगी उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो भी बेसिकली संकेंड टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, उनका मेजर जो फंक्शन होता है वो गैशियस एक्सचेंज का और ट्रांसपिरेशन का होता है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, विल मीट इन अनदर वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।